तो यहाँ छोड़ी हमने हमारी बाइक, तो नथिंग लाइक हॉट मैगी एंड सम हॉट चाय। तो अल्ट्रा यमी मैगी इज हियर, और मेरा गला जो है ना उसकी वाट लगी पड़ी है 2-3 दिनों से। इनफैक्ट मैं 2 दिन के शूट पे था, तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी ना, मैं इनफैक्ट ये बोलता नहीं हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी रूबरू हो रहा हूँ आप लोगों के साथ, सो आई एम टेलिंग यू ऑल। परसों रात को मैंने सलाइन चढ़ाया था खुद को, क्योंकि ये 2 दिनों का इवेंट है, ये मैं मिस नहीं करना चाहता था। एक राइड था यार, करना पड़ता है कभी कभी कोई चीज़ें, मैंने ऑलरेडी कमिटमेंट दे दिया था, सो आई डोंट वांट टू मिस इट। तो इसीलिए मैंने सलाइन चढ़ाया, ग्लूकोज चढ़ाया, उसमें मल्टीविटामिन विटामिन का इंजेक्शन लगाया, इसलिए आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। थैंक यू गॉड फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू माई पेरेंट्स। सो आई विल एंजॉय माई मैगी एंड माई टी, मिलेंगे कुछ टाइम के बाद ऑन द बाइक। एंड आई हैव हैड माई फिल ऑफ मैगी, गरम गरम मैगी, और अच्छा लग रहा है खाने के बाद। और लोनावला खंडाला रहता इज बसलिंग, लुक एट दैट, संडे की शाम है आज, संडे की शाम है और बहुत लोग आए हैं छुट्टी मनाने के लिए। लोनावला या फिर पूना से भी काफ़ी लोग रिटर्न कर रहे हैं, या फिर बहुत लोग खाली लोनावला भी आते हैं, दोनों पूना से और मुंबई से भी। काफ़ी सारे बाइकर्स भी दिख रहे हैं मुझे इनफैक्ट, जो संडे राइड कर रहे हैं, इवनिंग राइड कर रहे हैं। नॉर्मली संडे राइड्स हम लोग मॉर्निंग करते हैं, बट इवनिंग राइड करने वाले भी बंदे मुझे मिल रहे हैं, विच इज़ गुड टू सी। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये रूट कर रहा हूँ। आजकल मुंबई पुणे मेरा बाइक से नहीं होता, दैट इज़ वाई आई टुक अप दिस अपॉर्चुनिटी एंड हियर आई एम डूइंग दिस एंड राइडिंग दिस मोटरसाइकिल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। वो देखिए सनसेट, प्यारा लग रहा ना। काफ़ी बाइकर्स यहाँ पर रुकते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं, लेकिन हम नहीं रुकेंगे अब। इट्स ऑलरेडी 6:30, 7:30 तक मैंने बोला था वाइफ को कि मैं घर पहुँचूँगा, तो आई विल ट्राई टू मेक इट बाई 7:30। आई डोंट नो ट्रैफिक का क्या हाल है आगे, बट आई विल ट्राई टू रीच ऑन टाइम और लंच, आई एम सॉरी, और डिनर करूँगा फैमिली के साथ। ओहो, इंस्टाग्रामर्स गैलोर टेकिंग पिक्चर्स, और वहाँ पर अंकल जी खिला रहे मंकी को, एंड टेकिंग द लिबर्टी ऑफ राइडिंग ऑन द एक्सप्रेस वे ऑन दिस स्ट्रेच, जहाँ पर आई गेस 2-व्हीलर्स अलाउड है बस इसी स्ट्रेच के ऊपर। मंदिर मेरे बीच में मत आ जा आज। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी भीड़ है आज एक्सप्रेस वे पे, शाम का टाइम है करके, तो बहुत ज़्यादा इसके साथ कुछ कर नहीं पा रहा बिकॉज बहुत ट्रैफिक है। बट ये स्ट्रेच पे बाइक चलाने के लिए काफ़ी मज़ा आता है हमेशा। सफोली एग्जिट करेंगे हम, एंड टर्न्स पे ठीक ठाक कॉन्फिडेंस दे रही है मुझे मोटरसाइकिल, ऐसे रिस्की तो नहीं लग रहा है मुझे इसके साथ टर्न्स लेने के लिए, और बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्फिडेंस भी नहीं दे रही है, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस भी नहीं दे रही है, लेकिन अनकम्फर्टेबल भी नहीं कर रही मुझे, जो कि एक अच्छी बात है, विच इज़ गुड। इधर क्या हो गया, छट्टो कर रहे हैं इसीलिए। और ये देखिए बंदर लोग, हेलो हेलो हेलो, किसी ने हाईफाई नहीं दिया, टू बैड, मुझे लगा कोई तो हाईफाई देगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब पर पूरा पूरा फायदा। ओके, आई फॉरगॉट
I'm not a cruiser, I'm not an adventure motorcycle. KTM आगे चल रही है, I think 390 adventure है. तो मैं भी इसको ऐसे ही दौड़ा रहा हूँ जैसे कि मैं एक adventure motorcycle चला रहा हूँ. तो इसको थोड़ा brakes लगाना पड़ेगा मुझे खड्डों पे. ये नहीं कर सकता मैं जो ये भाई साहब कर रहे हैं, लेकिन इधर भगा जरूर सकता हूँ इस स्ट्रेच पे. ओम साई राम. That was some fun. I was a little cautious here, थोड़ा सा सावधानी रखी थी मैंने, but मज़ा तो आया. I think 125 वगैरह कुछ किया मैंने, क्योंकि थोड़े twisties थे तो मुझे बहुत ज़्यादा limit तक नहीं इसको push करना था. Track तो है नहीं है, कोई भी कहाँ से भी आ सकता है बीच में, चाहे वो आदमी हो, इंसान हो या फिर जानवर, इसलिए थोड़ा ध्यान देता हूँ मैं. और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब मैं गियर डाउन करता हूँ ना, तो थोड़ा जो है गियर शिफ्ट्स वो थोड़े हार्ड है. आई डोंट नो क्यों ऐसा है, लेकिन गियर शिफ्ट्स डाउन करते वक्त थोड़े से हार्ड लगते हैं. और इफ्तारी का टाइम हो रहा है, अराउंड 7 o'clock का इफ्तारी का टाइम है, तो काफ़ी लोग दिख रहे हैं मुझे इफ्तारी के लिए, जा रहे हैं अपने अपने घर वापस. रमज़ान चल रहा है, अगर आपके रोज़े चल रहे हैं तो सलाम आपको, आपकी वो सारी मुरादें जो है वो पूरी हो. तो दुआ में याद रखना भाइयों. एडजस्टेबल आपको ब्रेक लीवर मिलता है, लेकिन एडजस्टेबल क्लच लीवर नहीं मिलता. तो ठीक है, R15 वाले भाई साहब फेल फेल के जा रहे हैं. थोड़ी सी फायरिंग अलग आ रही थी मुझे, इसलिए ज़रा चेक कर रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना. फिलहाल तो ठीक लग रहा है. बैग भी चेक करनी थी वैसे मुझे, थोड़ी सी इस साइड हो गई है. ठीक है, घर तक पहुँच जाए बस. और सनसेट हो गया पूरा पूरा ऑलमोस्ट, देखिए अंधेरा होने लग गया है. और बाइक वालों के लिए यहाँ पर जगह ही नहीं छोड़ी है. टैक्सी वाले भी कहाँ कहाँ से घुस रहे, आई डोंट नो व्हाई. और बस कुछ ही टाइम में हम लोग पहुँच जाएंगे. जो फ्रेम है, चेसी है मोटरसाइकिल का, वो भी ठीक ठाक है, काफ़ी सपोर्ट दे रहा है मुझे राइड करते वक्त. तो ये छोटू सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी प्यारा लगता है ना, डिजिटल वाला अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है एकदम. आप लोगों को कैसे लगा अंधेरे में जो वो लाइट ब्लू या फिर वाइट कलर का जो बैकलेट दे रहा है, काफ़ी क्यूट लग रहा है मुझे. लेट मी नो कैसा लगा आपको ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. सो यस, 84.5 किलोमीटर्स दिखा रहा है ओडो पे.
और 100 से ज़्यादा, इनफैक्ट 120 से ज़्यादा मैं चला चुका हूँ इसको। मैंने ट्रिप लेट चालू किया, इनफैक्ट वीडियो लेट चालू किया, बट वैसा देखा जाए तो आई हैव डन मोर देन 120 किलोमीटर्स। और यस, मैं इसको लॉन्ग राइड ही कंसिडर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इतना भी नहीं करते। चलिए एक 0 to 100 करते हैं। तो फाइनली आफ्टर 105.5 किलोमीटर्स, और वैसा देखा जाए तो ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर्स, आई हैव रीच्ड माय डेस्टिनेशन। सो गाइस, दैट वाज माय रिव्यू ऑफ द SRV 300। हर मोटरसाइकिल में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस की बात करूँ तो ये मोटरसाइकिल दिखने में काफी अच्छी है, काफी ठीक ठाक स्ट्रांग चलती है चलते वक्त भी। और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊं तो इंजन हीट थोड़ा बहुत अगर आप ट्रैफिक में रहते हो तो फील होता है, सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड है ऑन बैड रोड्स, बट अच्छे रोड्स पे बहुत अच्छी चलती है। हाई स्पीड पे जो वाइब्रेशंस है वो भी थोड़े फील होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन नेगेटिव। अदर देन दैट आई हैड अ व्हेल ऑफ अ टाइम। टॉर्की इंजन है, बहुत मजा आता है चलाने के लिए, हर गियर खींच खींच के भगाने में बहुत मजा आता है। इट्स नॉट दैट इट्स दैट बैड। सो इट्स अ V-twin इंजन, इंजन भी काफी तगड़ा है, 30 bhp देता है। तो गाइज, लेट मी नो वुड यू बाय द QJ SRV 300, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो यहीं पर ये वीडियो एंड करता हूँ। ध्यान रखिए आप अपने फैमिलीज का। सी यू फ्रॉम बाइकर डॉट लाइफ। टेक केयर गाइज, गुड नाइट, बाय।